देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर एजेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मीसा पटेल स्वागत करती हूं आप सभी का खबर एजेंसी न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड से, देखते हैं यह बड़ी खबर। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विकास नगर में पत्रकार वार्ता करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड का सदियों से रिश्ता रहा है। हिमाचल प्रदेश का छोटा भाई है उत्तराखंड, इन रिश्तों को निभाने आज मैं उत्तराखंड के विकास नगर आया हूं। साथ ही हिमाचल सीएम ने कहा कि आज मोदी जी का डंका संपूर्ण विश्व में बज रहा है और चौकीदार और नामदार के बीच चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में देश के चौकीदार की विजय होगी। देश के लिए मजबूत नेतृत्व कौन सा है, और मुझे लगता है कि उसमें कोई भी दूसरा नाम इस प्रकार से सामने नहीं दिखता है। अगर नाम दिखता है तो वो नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। और देखिए, दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम किया है। छोटे से कार्यकाल, उत्तराखंड में 2 वर्ष, हिमाचल प्रदेश में 1.25 साल का कार्यकाल, और उसके साथ साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है पूरे देश भर में, और जिसकी छाप पूरे देश के अंदर नहीं है, देश से बाहर भी लोगों के मन में उसकी उस काम की छाप। और ऐसी परिस्थिति में जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे, बहुत लोकप्रिय था उस वक्त भी थे, लेकिन आज की लोकप्रियता मोदी जी की 2014 से भी ज़्यादा है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व भर में, भले ही हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे लिए सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के सामने विश्व नेता की छवि बना करके इन 5 सालों में वो दुनिया को जो है वो दुनिया के सामने है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत नेतृत्व तो भारत को मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के साथ निर्णय लेने वाला नेतृत्व, और जिसका आकर्षण, जिसकी छवि, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर घिरने की कोशिश की, लेकिन तमाम मुद्दे धरे के धरे रह गए। एक भी आरोप नरेंद्र भाई मोदी जी पर है आज की तारीख में नहीं है, जिसको कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ, साफ छवि के साथ मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल।